नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सारा न्यूज में आपके साथ नेहा। आइए बढ़ते खबरों की शुरुआत। भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। समर्थ सहारा परिवार आपसे निवेदन करता है कि अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ब्रह्मपीठ लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। शिवराज सरकार में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री बनने पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शनिवार की शाम अपने गृह निवास डबरा पहुंचे, जहां उनके परिजनों ने तिलक एवं श्रीफल देकर स्वागत किया। वहीं आज सुबह गृह मंत्री ब्रह्मपीठ लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा उन्होंने सभी लोगों को भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से अपील की कि घरों में रहकर परशुराम जयंती मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अशोक गौतम, सीपी शर्मा, रिंकू चौधरी, राजू मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। आज उनका पूरे प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं। भगवान परशुराम से प्रार्थना, ये कोरोना नामक महाबीमारी हमारे प्रदेश की रक्षा करें, हमें शक्ति प्रदान करें। देशवासियों को भी बहुत बहुत परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, अब क्या कुछ करेंगे। 3 तारीख को पहले आज की प्राथमिकता करोना, उसके बाद प्राथमिकता है फिर बात करें। 3 तारीख को तैयार करेंगे। जो संकट कोरोना COVID-19 के द्वारा आया हुआ, इस संकट को भगवान परशुराम दूर करें, ऐसी मेरी आशा है। और मैं, हम लोग हर वर्ष की बात ही, जो परशुराम जन्मोत्सव मनाते हैं, आज उनका पूजन कर रहे हैं, ठीक है, चल समारोह नहीं निकाल रहे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको क्या स्वास्थ्य लाभ दे, भगवान परशुराम सबकी रक्षा करें। भगवान परशुराम की वजह से ही आज क्या है, क्योंकि अजर हमारा अविनाशी भगवान परशुराम है। शायद भारत इसीलिए बचा हुआ है कि आज भारत में सबसे कम मरीज हैं, और मैं ईश्वर से और कामना करता हूँ कि कम से कम मरीज हों, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमको संदेश दिया गया है कि लोगों को दीपक जलाने हैं। हम लोगों ने पिछले काफ़ी समय से लॉकडाउन की वजह से सभी लोगों से निवेदन किया, स्नातनियों और प्रसाम जी के अनुयायियों से, कि आप सब लोग घर में ही पूजन करें और शाम के टाइम आरती करने के बाद घरों पर दीपक लगाएं, तो लगभग सभी लोग ऐसा करने वाले हैं। ऐसा क्यों, ऐसा विचार आया, क्या कारण रहा? क्योंकि ऐसी वैश्विक महामारी फैली हुई है, इसमें सरकार के नियमों का पालन करते हुए सारे हमारे लोग घर पर ही पूजन कर रहे हैं, और हम भगवान परशुराम जी से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने पहले आधर्मी लोगों को और असुरों से इस धरती को बीन किया था, इस बार वैश्विक महामारी को भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और देश को आज़ाद करें।